coming to Health Library for this talk. As you know, we are an NGO owned by Dr. Anirudha Malpani and his wife Anjali Malpani. And we do have our goals of our Health Library that encourage insurance companies to invest in our patient education, setting up the national network of our library, and so on. And we do have reading area which is downstairs, which we can use as a reference area. And this is a blog where you can check the activities of our library, talks which we have conducted. You can listen it. This is a pure video course. This is a library course where you will be getting information, updates, and of every event. And this is an Wikipedia where you can get all the information related to your health, English as well as in Hindi. And we do have audio video room where you can sit and see the audio cassettes of our lectures, talks previously happened. It is absolutely free of cost. We do also have photocopying services, that is rupees 1 per page. And we do also share the series of patient education on different subjects which are kept for sale downstairs. And we do also send duplicate books on the half price given here to help. And this is our publication. This is an our publication. This is a family guide. In this you can check all the details from common problems to chronic problems, how to live with better. And we are giving it for 50% discount, that is 200 rupees only. And members would like to become a member. They want to take the book at home. They are most welcome. They need to pay the fee of 250 annual membership charge and 2000 security deposit, which is refundable. And any doctors would like to give us talk are most welcome. Thank you for your time, and now I'd like to welcome Dr. Vijay Jain for first time in our library for his topic numerology with Vastu. Let's welcome. Thank you, and दिवाली का अभी टाइम आ रहा है तो हम लोग न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे, वास्तुशास्त्र पे बात करेंगे और दिवाली पे वास्तु का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने घर को क्लीन करके एनर्जाइज करना, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। वास्तुशास्त्र के बारे में आप में से कितने लोग कुछ जानते हैं जो वास्तुशास्त्र के बारे में आर्किटेक्चरल साइंस है। आज भी आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आज भी मराठी में मंत्रालय में जाएंगे तो वास्तुशास्त्री लिखते हैं। वस्तु और वास्तु दो शब्द है, जनरली वास्तु की स्पेलिंग करते हैं ASTU। मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर वास्तु और वास्तु, वस्तु और वास्तु, इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है। BASTU वस्तु और वास्तु, BAASTU वास्तु। मेरी वेबसाइट है vastuvigyan.com, BAASTU वास्तु, VIGYAAN vastuvigyan.com। आपको बहुत से आर्टिकल्स और कार्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। हम लोग वास्तुशास्त्री के पास जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, दोनों में जब कोई तकलीफ होती है तब हम उसके पास जाते हैं। जब तक हमारा सब लाइफ में अच्छा चलता हो तो ना तो आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है ना तो वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत है। लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वहाँ तक सफिशियंट है। बहुत से लोग ज्योतिषी को और वास्तुशास्त्री को बोलते हैं कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास के लिए बहुत अच्छा है। जब तकलीफ आती है तो उसके हम लोग बहुत से कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब हमको कारण नहीं मिलता तब हम इस तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं और तब हमको एक नई दिशा मालूम करती है, कारण मालूम करते हैं कि दुनिया में ऐसा भी होता है। वास्तुशास्त्र उसी से संबंधित एक शास्त्र है जो हजारों वर्षों से हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। 20 से 25 नारद कृष्ण जैसे विद्वान, गणपति जी जैसे विद्वान, उनके जो शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र का
जिक्र किया हुआ है। टाइम के साथ में उसके ऊपर कुछ परिवर्तन होते चले गए हैं। आज मॉडर्न वास्तु चलता है, पुरानी वास्तु को नए कंसेप्ट में जोड़ करके हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग मॉडर्न वास्तु कह सकते हैं। न्यूरोलॉजी को मैंने इस कंसेप्ट में वास्तुशास्त्र के अपने अनुभव से लगभग मैं 10 से 15 हजार वास्तुशास्त्र से संबंधित नक्शे करके प्लॉट के फैक्ट्री के देख चुका हूँ। उसके अनुभव से मैंने ज्योतिष और वास्तुशास्त्र को मिलाया और एक कंसेप्ट दिया है जो हर आदमी बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाए या बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाए एक बेसिक नॉलेज अपने आप में गेन कर सके और उसका फायदा अपने आप उठा सके। मैंने न्यूमरोलॉजी को जोड़ा। न्यूमरोलॉजी क्यों जोड़ा कि हम सभी अपनी अपनी बर्थ डेट तो जरूर जानते हैं। जन्म तारीख अगर हम जानते हैं तो हमको एक गाइडलाइन वास्तु से रिलेटेड मिल जाती है। जन्म तारीख में जन्मदिन और पूरी जन्म तारीख दो होते हैं, बरबर है। फॉर एग्जाम्पल किसी की भी एक जन्म तारीख हम बताइए, बोलिए 18 अक्टूबर, तो 18 डे हुआ। तो जन्म तारीख को हम लोग सिंगल डिजिट से जोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास 9 डिजिट है, सिंगल 1 to 9 प्लस 0, बरबर है। तो 18 अक्टूबर, तो 1 + 8 = 9 सिंगल डिजिट है, हाईएस्ट नंबर है सिंगल डिजिट, बरबर है। अक्टूबर, उसके बाद ईयर 1982, अभी आप 18-10-1982 का सिंगल डिजिट तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 992, कितना है जोड़िए आप? 18-10-1982 टोटल जोड़ेंगे सिंगल डिजिट तक 2 आएगा, बरोबर ना। अपने पास दो फिगर मिले, 9 डे का और 2 पूरी मंथ डे का। ये दो अपने लाइफ के फेवरेबल नंबर होते हैं। हम लोग हमारी गाड़ी का नंबर है, अपना लाइसेंस नंबर है, घर का नंबर है, इनसे देखेंगे तो एक कॉमन नंबर हमारी फैमिली में हमारे लाइफ के अंदर चला है। तो अपने पास दो नंबर आए फेवरेबल नंबर 9 and 2। इसी तरीके से आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी है निकाल सकते हैं। इसके साथ में आप अपने पूरे फैमिली की डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, जितने फैमिली में हस्बैंड वाइफ बेटा माँ सबके निकालेंगे तो एक कॉमन नंबर उसके बीच में चलता है। कॉमन नंबर मतलब अगर आपका 9 and 2 है तो हो सकता है वाइफ का 2 and 9 हो या 2 and 7 हो, एक कॉमन नंबर, 2 कॉमन नंबर जैसे चला। इस तरीके से पूरी फैमिली के अंदर एक कॉमन नंबर चलता है। अगर कॉमन नंबर नहीं है और अपोजिट नंबर है तो इसका मतलब है कि देयर आर सम डिफरेंसेस इन द फैमिली लाइफ। यहाँ पर बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको बना के दिखा था। आप चाहो तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो पूरी फैमिली के डेट ऑफ बर्थ का, तो अपना निकाल सकते हैं। इस तरह अपने पास में दो नंबर अभी आपने अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको, उसके दो सिंगल नंबर निकाल लिया आपने सिंगल डिजिट पर, ऐसे आप मैंने लिया वही दो मंथ में लेना है ना। 18 जब इनका देखा, अभी आप फिर से देखो इनका है 18 अक्टूबर 1982, बरोबर ना। तो उसमें क्या हो, 1 + 8 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 2, बरोबर है। इसको आप जोड़ेंगे तो उसको सिंगल डिजिट तक जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 नंबर आएगा, 3 आए, सॉरी 3 नंबर आए। मन को जोड़ेंगे तो 3 आए, और नंबर कौन कौन से हुए, 9 and 3, 3, 6, 9 फेवरेबल नंबर होते हैं एक दूसरे के साथ में। ऐसे 2, 4, 2, 6, 2, 4, 6, 8 नंबर होते हैं। इस तरीके से आप नंबर निकाल सकते, फेवरेबल नंबर आपके पास में आ जाते हैं। आप अपनी पूरी फैमिली का अगर आप बर्थडे के हिसाब से नंबर निकालते हैं तो वहाँ पर एक कॉमन नंबर आपको मिलता है। टू
आपका है 20।